हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों पर होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ फॉल सीलिंग के बेनिफिट्स, पर्पस और उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको फॉल सीलिंग के मतलब बहुत ज्यादा पता होंगे और मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई भी है फॉल सीलिंग के ऊपर, जिसमें मैंने आपको मीनिंग वगैरह बताए हुए और टाइप्स बताए हैं फॉल सीलिंग के। तो मैं आज आपको कुछ मेन पर्पस बता देता हूँ कि सब हम फॉल सीलिंग क्यों कराते हैं। एक होता है आपका इंसुलेशन के लिए। जब भी आप अगर फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो उसमें आपकी सीलिंग की दो लेयर हो जाती हैं और हीट वगैरह आपकी और नहीं आती है आपके रूम के अंदर। दूसरा आता है आपका टेम्परेचर उसका, जो अगर आप फॉल सीलिंग करा लेते हैं तो वो आपका टेम्परेचर उसका थोड़ा लो रहता है, जिससे कि आपका एसी का खर्चा कम होता है। क्या होता है, आपका एरिया जो है, जैसे आपका रूम है एक 10x10 का रूम है, उसकी हाइट भी 10 है। अगर आपने उसमें फॉल सीलिंग करा ली है, उसकी हाइट 9 फीट हो गई है, तो टोटल एरिया जो है क्यूबिक एरिया वो आपको कम हो गया है, जिससे आपकी जो एसी की कॉस्टिंग मतलब एसी के बिजली का जो बिल है वो आपका कम आएगा। तीसरा जो मेन पर्पस है, मतलब यही मेरे हिसाब से मेन पर्पस तो यही होता है कि आपको जो लाइट ऐड करनी होती है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट लाइट ऐड करनी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फॉल सीलिंग में जो लाइट लगती है, उसके लिए कुछ हम ट्रैक लाइट लगाते हैं, उसके लिए कुछ हमारे पास कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं फॉल सीलिंग जिसमें हम प्रोफाइल लाइट का यूज करते हैं। फोटो आप देखते रहिए साइड में कि हमने कहीं कहीं पर जैसे प्रोफाइल लाइट यूज की है, तो वहां पर भी फॉल सीलिंग हमें जरूरी है। और उसके अलावा आपको जरूरत पड़ती है जैसे कि आपको कोई भी वायर वगैरह हाइड करने हैं, एसी की जो पाइपिंग होती है उसको हाइड करने के लिए, और आपके जो बिजली के तार वगैरह जो जाते हैं, जैसे हमें कहीं पर ओपन वायरिंग नहीं करनी पड़े उसको हाइड करने के लिए हो गया। और जो आपका जो स्पेस है उसकी इसकी लुक को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि हम आपकी जो स्ट्रिप लाइट कोप लाइट वगैरह हो गई वो आप सीलिंग में नहीं लगा सकते। दूसरा क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट जो हमारे अनवांटेड होल्स होते हैं, लेवल होते हैं अनवांटेड अप और डाउन, क्योंकि क्या जो फ्लोर स्लैब डली हुई होती है उसमें लेवल में चेंजेस होता है, क्योंकि वो स्लोप की वजह से लेवल थोड़ा अप डाउन होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए भी हम फॉल सीलिंग कराते हैं। और अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग की, तो वो डिपेंड करती है जगह से जगह और किस फ्लोर पर है। मतलब कि मैं आपको सिर्फ मटेरियल और उसकी लेबर कॉस्टिंग बता देता हूँ, ये उसमें कोई वगैरह इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा जो भी मैं आपको फॉल सीलिंग का रेट बता रहा हूँ, उसमें कोई पेंट पुट्टी कुछ नहीं है, ना उसमें इलेक्ट्रिशियन का कोई खर्चा जोड़ा हुआ है, ना उसमें कोई वायरिंग का, ना कोई हमारी लाइट ऐड है। जो वो स्टार्ट होता है वो होता है 60 रुपये से 130 रुपये स्क्वायर फीट तक। आपका ये भी डिपेंड करता है, जो जिप्सम सीलिंग होती है वो थोड़ी सस्ती होती है और पीओपी आपकी 130 तक हो जाती है। दूसरा इसमें सिर्फ इसमें ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने जो स्क्वायर फीट में जैसे हमारा पट्टा पट्टा नहीं नपेगा, इसमें क्या होता है आपका कोब अलग नपती है और आपका जो खड़ा पट्टा होता है वो अलग नपता है। इसकी कॉस्टिंग जो होती है उसे निकालने के लिए जब हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाता है उसके बाद इसकी कॉस्टिंग निकल पाती है। हाई रेज सोसाइटी में जो हमारा काम होता है, मतलब जैसे कि एक 10x11 का रूम, 10x12 का रूम और एक 10x15 का ड्राइंग रूम होता है, एक 2 BHK की बात करें, तो उसमें आप ये लगा लीजिए कि 15,000 रुपये पर रूम और एक ड्राइंग रूम आपका 20,000 का हो गया, तो दो रूम आपके 15 × 30 और 20,000 का ड्राइंग रूम, मतलब 50,000 रुपये में आपकी पीओपी की फॉल सीलिंग एक 2 BHK में हो जाती है। और अगर हम 3 BHK की बात करें तो वही आपको 15,000 रुपये और एड होकर वो 65,000 रुपये चली जाती है। ये भी इसमें भी आपका ये फ्लक्चुएट करेगा, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है अब आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो एवरेज कॉस्टिंग आती है, मतलब हमने अभी तक किसी भी फ्लैट में 50,000 रुपये ज्यादा की फॉल सीलिंग नहीं कर पाए हैं, उसमें चाहे आप कैसा भी डिजाइन करा लीजिए, एवरेज कॉस्टिंग वही 50 से 60 हज़ार रुपये आपके 2 BHK और 3 BHK की आ जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि